ये मर्डर मैंने किए, करण को मैंने मारा, इसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। मुझे बंदूक मेरे पास, मुझे बंदूक नहीं दे, घर चली जाओ। ये मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, प्लीज घर जाओ। करण को खुद मैंने किया, मैं तो पागल हो गई, बंदूक मुझे दे, घर चली जाओ प्लीज। टाइम श्रेया भाभी, पिक अप द फोन। विराट जी ने जान पूछ के नहीं किया ये, वो मेरी मेरी जान बचाने के लिए उनसे उनके हाथ से ट्रिगर दब दिया विराट। लेकिन लेकिन मैं दी को कुछ नहीं होने दूंगी, वो बेकसूर है विराट। मैं तुम घर जाओ, अब भाभी को लेकर जाओ। ये मर्डर मैंने किया, इसका इल्जाम मैं किसी और, प्लीज आप सब, प्लीज आप विराट, विराट तुम दी को लेकर घर चले जाओ, मैं संभालूंगी। और चुप, कुछ मत बोलना, चुपचाप यहां से जाओ भाभी को लेकर। आई नो हाउ टू हैंडल इट, ओके गो। पर तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा विराट, पूरी दुनिया को पता है करण के साथ मेरी ओपन वॉर थी, और आज मैंने वो एंड कर दी अपने हाथों से। फिर क्या होगा, तुम जेल जाओगी, फांसी होगी, हाँ? जो भी होगा मैं जेल लूंगी विराट, मैं पुलिस को बताऊंगी मैंने किस सिचुएशन में करण पे गोली चलाई थी। हर औरत को अपनी सुरक्षा का हक होता है विराट, अपनी दी की इज्जत बचाने के लिए मैंने उसके ऊपर गोली चला दी। मैं बता दूंगी और मैं छूट भी जाऊंगी, थोड़े दिन की बात को समझिए। सुनो, तुम्हें पता नहीं मर्डर करने वाले साथ क्या क्या होता है, अरे बरसों लग जाते हैं अदालत का फैसला आने में, और तब तक उस इंसान की जिंदगी बदतर हो जाती है। और मैं तुम्हारे और भाभी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आपके द्वारा डायल किए गए नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कमिश्नर राठौर, जी हाँ, विरेन वडेरा बोल रहा हूँ। भाभी, भाभी मैं सही कह रहा हूँ, मैं ये सब झेल लूंगा, लेकिन भगवान ना करे कि आप लोग को ये सब झेलना पड़े। मामी समझो, प्लीज जाओ यहां से, मामी मुझे कुछ नहीं होगा यार, जब अदालत को पता चलेगा करण के बारे में वो समझेंगे कि मैंने ये सब बचाने के लिए किया। जो तुमने किया ही नहीं विराट। भाभी प्लीज, वक्त बहुत कम है, पुलिस से कभी पा सकती है, ये मुझे दो। माननी है मुझे दो, अभी चली। और हाँ एक सेकेंड, ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच में, बाहर वालों की नजरों में ये मर्डर मैंने किया। नहीं विराट। हाँ माननी, भाई का फोन है, तुम लोगों को जाना हो यहाँ से, प्लीज। और एक बात, गाड़ी आराम से चलाना। माननी को, माननी को भाई प्लीज गो, ये लो जाओ, गो गो। हाँ भाई। विराट, विराट कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ तू? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई विराट, क्या गड़बड़ हो गई? आप करण के घर पे आओ, मैं आपको सब बताता हूँ। विराट तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सही तरह से समझाना। भाई आप पहुंचो तो मैं आपको सब कुछ फोन पर नहीं बता सकता। प्लीज आइए विराट। Thank you.
विराट, किसने मारा इसे? मैंने। हमारे बीच में हाथापाई हुई और मैंने करण की गंसे से गोली मार दी। गोली मार दी विराट, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली के बारे में खराब बोल रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसको मार डाला। मार डाला विराट। विराट तू पागल तो नहीं हो गया? किसी झगड़ा होगा तो तू मार देगा उसे? तू उसका मतलब जानते है? जेल हो सकती है। अरे ऐसा कौन करता है, किसी झगड़ा हुआ और उसे मार दिया? मैंने किया। मिस्टर विराट, आपको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट इन। यस सर। और पता है भाभी, उसके बाद मैंने मिसेस शर्मा से कहा कि अगर आपके पास अर्जुन है तो हमारे पास करण है। कादंबरी बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। वो तो हो गई ना, मेरे हिस्से की बातें यही कर डालती है। अरे हाँ वीरेन, कहाँ हो भाई? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? चाचू एक बुरी खबर है। ये तुम क्या कह रहे हो वीरेन? क्या कहा वीरेन ने? बाबूजी, वीरेन कह रहा था कि विराट के हाथों करण का खून हो गया। करण अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है।
नहीं, करण को कुछ नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, करण नहीं मर सकता। बाबूजी, बाबूजी थोड़ी देर पहले हमने करण से फोन में बात की थी, उसने कहा था कि बस वो घर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी? हमारे करे हमारे करे को ऐसा नहीं हो सकता, हमारे करे नहीं मर सकता। हिंदा कहो कि ऐसा नहीं हुआ है, वीरेन को जरूर कोई धोखा हुआ होगा। बाबूजी, बाबूजी ये क्या कह रहा है विराट ने? हिंदा कहो कि तुम झूठ बोल रहे हो। इंदर इंदर बेटा, कहीं ये कोई गलत फहमी तो नहीं? विराट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया बाबूजी। विराट के हाथों करण का ये कैसे हो सकता है? जिस गन से खून हुआ है वो गन अब पुलिस के कब्जे में। क्यों मार डालो उसने करण को? हमारा इकलौता बेटा, क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? बुआ जी हाथ मत लगाओ, मैं तुमने हमेशा हमारे बेटे का पूरा चाहा, अब देखो क्या हो गया, हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया करण। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही चाहती थी ना तुम? तो ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तुमने? जाओ खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। जीविका, तुम्हें या मानवी को कुछ तो पता होगा इस बारे में, कुछ बताया विराट ने? अगर इन दोनों को पता होता तो ये हमें ना बताते थे। दादाजी मैं आपसे सब्र रखो बेटा, स्वामिनी की हालत अभी ठीक नहीं है, उसे थोड़ा वक्त दो। स्वामिनी इंदर विरेन का भाजी, विरेन तो विराट के साथ है, विराट को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। तुम एक काम करो, तुम भी पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाकर मुझे फोन करो, तब तक मैं कमिश्नर से बात करता हूं बेटा, ताकि करण की बॉडी हमें जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है बाबूजी। चाचू, चाचू मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मुझे विराट के पास चलना। मानवी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम वहां पर जाकर क्या करोगी? चाचू मुझे विराट से मिलना है एक बार, प्लीज चाचू। बाबूजी समझाइए ना आप। कोई बात नहीं बेटा, जाओ। चाचू प्लीज। Yeah.
साइन कीजिए। हाँ पुलिस स्टेशन में। हवलदार ले जाओ। बड़ी माँ कैसी है? ठीक है मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। विराट देख घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में चाचू भी आ रहे हैं। बुआ कैसी है? विराट सब कैसे हो गया? विराट लेकिन अब कुछ भी करके तुझे तुझे इस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। जीजू क्या मैं विराट से 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ प्लीज? क्यों कर रहे हो ऐसा विराट? ये मेरी बहन है, उनका इल्जाम मुझे लेना चाहिए तुम्हें नहीं। तुम और मैं अलग थोड़ी ना। अगर तुम मेरी जगह यहां पर होती तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? बात तो एक ही पर विराट। पर कुछ नहीं, शादी के साथ फेरे लेते वक्त मैंने वादा किया था कि तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बस वही नहीं बार उन फेरों के साथ कुछ कसमें मैंने भी खाई थी विराट। कभी भी मेरे पति पे कोई तकलीफ आएगी उससे पहले मैं उस तकलीफ से गुजरूंगी। हर दर्द हर परेशानी को मुझसे पहले होके गुजरना पड़ेगा। मुझे भी तो वो कसम निभानी है ना विराट। और तीने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी है विराट प्लीज। तुम सही कह रही हो, तुम्हारे दीने बहुत कुछ किया लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। भाभी ने तुम्हारी जिंदगी के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी लेकिन उन्होंने तुम्हारी जिंदगी नहीं मेरी जिंदगी बचाई। मानवी मैं सिर्फ भाभी के लिए नहीं कर रहा, मैं सब भाई के लिए, सारे घर वालों के लिए कर रहा। उन लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आज मेरा वक्त है कुछ करने का। मानवी करण एक गलत इंसान था, हम गलत नहीं है। मानवी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये रोना बंद करो, तुम्हें घर वालों का स्ट्रेंथ बनना है। और वैसे भी अगर हमने मौत को मात दे दी तो जिंदगी को भी जीत लेंगे। और हाँ जब मैंने तुम्हें इतना पापड़ बेल के पाया है तो ऐसे ही तुम्हें जेल के अंदर आने दूंगा नहीं ना? स्माइल खुश रहो। नो क्राइंग ओके स्ट्रॉन्गर। नहीं रोऊंगी मैं मेरा, मैं नहीं पढ़ूंगी कमजोर। मैं जानता हूं मानवी अगर तुम बाहर रहोगी तो मुझे यहां से बाहर जरूर निकालोगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।